डभोई तालुका के नारिया ग्राम पंचायत में वर्ष 2016-17 से लेकर वर्ष 2021-22 तक विकास कार्य को लेकर भावेश पटेल द्वारा की गई आरटीआई के तहत टीम द्वारा जांच की जा रही है। डभोई तालुका नरिया ग्राम पंचायत में वर्ष 2016-17 से लेकर वर्ष 2021-22 के नानकीय वर्ष में विकास कार्य की भावेश पटेल नड्डा द्वारा आरटीआई के जरिए जानकारी प्राप्ति की मांग की थी। ऐसे में कई कार्य में आशंका पैदा होते हुए तालुका पंचायत अधिकारी सहित की टीम द्वारा जांच की गई। डभोई तालुका में 4 जिला पंचायत बैठक आती है। 4 बैठकों पर काफी वग्गदार वर्तुल द्वारा मिली जानकारी के आधार पर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा भेजे गए थे। ऐसे में जिला पंचायत के उम्मीदवार को खड़ा रखने से लेकर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की रहती है। 4 जिला पंचायत के तहत आती वैसे तालुका पंचायत की 20 बैठक और 82 जितनी ग्राम पंचायत आती है। लंबे वक्त से कॉन्ट्रैक्टर का प्रभाव यहां पर नजर आ रहा है। डभोई तालुका में भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला है। वैसी भी जानकारी प्राप्त होते हुए पिछले 5 सालों में 1 करोड़ से भी अधिक के कार्य हो चुके, जिसमें भ्रष्टाचार की बू आते हुए पूर्व एसओ द्वारा कार्य के नक्शा और पता नाम लेने के साथ अधिकारियों के सर के दर्द समान बन चुका था। ऐसे में 3 सदस्य की टीम द्वारा बारीकी से जांच प्रक्रिया जारी करते हुए इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त की गई है। नरिया तालुका में पानी की लाइन, पेवर ब्लॉक, प्रोटेक्शन वॉल जैसे कई कार्य एसओ द्वारा स्थल पर जांच की गई थी। नरिया ग्राम पंचायत में रमन रणछोड़ भाई के फलिया में पेवर ब्लॉक 4,28,000 रुपए के नाना पंच की ग्रांट से किए गए थे, लेकिन वो रुपए उठा लेने के साथ ये व्यक्ति का कोई भी नामो निशान नहीं होने की भी जानकारी प्राप्त हुई थी। ऐसे में विकास कार्य के नाम पर भ्रष्टाचारी कामगिरी करने की आशंका व्यक्त करते हुए फिलहाल विकास कार्य में गैर रीति की गई है, वैसी लोक चर्चा में स्थान बना है। नारिया ग्राम पंचायत में विकास ना काम माटे 2017-21 दरमियान एक आरटीआई अर्जी ने तपास की टीम तालुका कक्षाए थी मोकलवामां आवी हती। तपासणी थई थी तालुका कक्षाए थी आगळनी कार्यवाही करवामां आवशे। डभોઈ વિધાનસભામાં જે 2022માં ચૂંટણી લડ્યા ત્યારે 17-22 સુધીના 5 વર્ષના ગાળામાં કેટલાક ગામોએ એવું કીધું કે ભાઈ અમારે ત્યાં વિકાસના કોઈ ગ્રાન્ટના પૈસા નથી આવ્યા, કોઈ કામો નથી થયા। અમે અનેક ग्रांटो सरकार माथी लाव्या होवा छता आवी कम्प्लेनो आवी एटले एनी तपास करवामां आवी। अने ज्या कांग्रेस ना आगेवानो छे ए गामो माथी वधारे कम्प्लेन आवती थी, त्यारे अमे पहेलू नारिया गाम ने हाथमां लीधु। नारिया गाममां 1,11,00,000 विविध ग्रांटोमां फाळवामां आवेला, रेकॉर्ड ચકાસતા એક ભાઈનું નામ રમણભાઈ રણછોડભાઈ 4,50,000 પેવર બ્લોક પણ આ નામનું કોઈ વ્યક્તિ ગામમાં રહેતું ના હોય, ઘન કચરાના સાધનો તો એ સાધનો ના હોય, પાઇપની લાઈન એમાં પણ ગેરરીતિ દેખાય। આ બાબતે અધિકારીઓને ચાલુ ચૂંટણીએ સૂચના આપી હતી કે ભાઈ આ ગામોની તપાસ કરો, પરંતુ તે વખતે ચૂંટણીને અનુલક્ષીને આચારસંહિતાને અનુલક્ષીને કોઈ તપાસ આગળ નહોતી વધી, પણ હવે ચૂંટાયા પછી એ તપાસ આગળ વધારવાની સૂચના આપતા આજે તપાસ અધિકારીઓએ ગામની મુલાકાત લીધી હતી અને એમાં ગેરરીતિઓ સ્પષ્ટ દેખાય છે। હજુ પણ કેટલાય ગામોમાં આવી ગેરરીતિઓ થઈ છે એવું અમારા ધ્યાન પર આવ્યું છે। આ તમામ ઠેકાણે તપાસ કરવામાં આવશે અને જ્યાં જ્યાં ગેરરીતિ થઈ હશે, ગમે તેવા ચમરબંધીઓ હશે, એને છોડવામાં નહીં આવે, સ્પષ્ટ કહું છું। અને અધિકારીઓને પણ સૂચના આપી છે કે કોઈને પણ શરમમાં આવવાનું નથી, પ્રજાના પૈસા છે, સરકારે ગ્રાન્ટો આપી છે અને એ ગ્રાન્ટોના કામો ના થયા હોય અને કોન્ટ્રાક્ટરો એ ગામો કામો કર્યા વગર એ પૈસાની ઉચાપત થઈ હોય એમાં જે કોઈ કર્મચારી કે અધિકારી સંડોવેલા હતા એની સામે પણ પગલાં લેવામાં આવશે એવી સ્પષ્ટ જ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે। આપના મારફત પણ એ જણાવી રહ્યો છું। આજે નારિયામાં તપાસ કરવાનું છે, આગામી દિવસોમાં બીજા બધા ગામોમાં જે તપાસ કરવાની છે એ તપાસ પણ કરવામાં આવશે અને ત્યાં પણ
जे कई आगेवानो हशे, सरपंच होय, ग्राम पंचायत ना सभ्य होय।